शहर के उदयपुर रोड स्थित गढ़ी थोरियान बलार रोड चौराहे पर निर्माणाधीन एक बालाजी के मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने बालाजी की मूर्ति पर भी पत्थर फेंक कर उसे तोड़ने का प्रयास किया, साथ ही मंदिर में लगी टाइल्स तथा फर्श को भी नुकसान पहुंचाया। मंगलवार सुबह जब मंदिर में की गई तोड़फोड़ की जानकारी शहर के हिंदूवादी संगठनों को मिली तो बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी तथा सदस्य मौके पर पहुंचे। मौका स्थिति देखने के बाद लोगों ने घटना पर आक्रोश प्रकट करते हुए सिटी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मंदिर का मौका मुआयना किया। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी पंकज वर्मा ने बताया कि आपसी जन सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। बीती रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए बालाजी की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया, साथ ही मंदिर में लगी टाइल्स तथा फर्श आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया। वर्मा ने बताया कि इससे पूर्व भी मंदिर में लगे झंडे को भी जला दिया गया है। हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने स्थानीय पुलिस तथा प्रशासन से असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। मंगलवार को मौके पर आक्रोश जताने वालों में अमित जिनकर, महेंद्र कुमार, दीपक दगदी, प्रमोद महावर, कपिल टाक, राजेंद्र टाक, ललित कुमार, राजेंद्र सिंह, लाल सिंह तथा महावीर वैष्णव आदि शामिल थे। आपस में आर्थिक सहयोग इकट्ठा करके इस मंदिर का विकास कराया जा रहा है, और लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो कि जब भी शुक्रवार को रात्रि में यह कांड होता है, रात्रि में तोड़फोड़ होती है, और शनिवार को जब सुबह आते हैं दर्शन के लिए भगत, तो कुछ ना कुछ टूटा फूटा मिलता है। पहले डेढ़ महीने पहले एक झंडा लगाया था, भगवा झंडा बड़ा, उसको मजबूती से बांधा भी था, लेकिन उस झंडे को जला दिया गया। उसके बाद में आज फिर इन्होंने रात में मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया है। पत्थर से मूर्ति पर चोटें मारी गई है। ये कोई सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, इसलिए हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि आप पूरी इसकी स्पष्ट रूप से जाँच करके और जो अपराधी हैं उनको तुरंत सामने लाएँ, ताकि आमजन में और हमारे बजरंगबली जी के भक्तों में एक वो बना रहे सामंजस्य। निर्माण जो चल रहा है इसका, पहले भी इन्होंने टाइलें तोड़ दी थी, फिर वापस टाइलें लगवाई, लेकिन रात को भी टाइलें वगैरह सब तोड़ दी है, और मंदिर के जो धुपेड़े वगैरह जो भी सामान होते हैं इसका गुंबद वगैरह ये भी इन्होंने तोड़ दिया है। अब ये तोड़ने वाले जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन आके गया है, लोकेशन देख के गए हैं। Kashar Dagdi and I am Ashish Jain, and we are currently studying at Guru Siddharth International School, a branch of JDA Group. The faculties of this school are well experienced and they also provide us well equipped laboratories. The teachers help us in building our concept in every subject, and they too help us in clearing our doubts in every aspect possible. I am sure that after coming to this school, I can crack my targeted exam and we can excel with flying colors. Thank you. Thanking all my beloved teachers for guiding us all and bestowing us with all the blessings, moral values and disciplines. Thank you. Hello, I am Komal Soni, HOD Chemistry in Guru Siddharth International School. I have 10 year teaching experience of chemistry subject. मेरे इसी एक्सपीरियंस से मैं उन पेरेंट्स को अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूंगी जो अपने बच्चों को आगे साइंस स्ट्रीम में ले जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ 8th क्लास से ही बच्चों को साइंस एंड मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। यही कारण है कि हमारे बच्चे नेशनल लेवल में 10th एंड 12th में मेरिट लाए। वी प्रोवाइड प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, डाउट क्लासेस फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, लॉज एंड थ्योरीज, कॉन्सेप्चुअल नोट्स, डेली प्रैक्टिस वर्कशीट एंड साइंस एग्जीबिशंस। सो जॉइन योर हैंड्स विद अस फॉर योर चाइल्ड्स ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। सबसे पहले तो
स्कूल का वातावरण, पढ़ाई के प्रति शिक्षकों का प्रेरणा कैसी क्या रही, आपके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किसने की? मतलब साइंस में अच्छा तो बेस्ट स्कूल व्यावहार में यही है और यहाँ की सारी वी एट GSIS नॉट ओनली एजुकेटिंग अ चाइल्ड बट यस एडिंग मोर टू देयर पोटेंशियल बाय प्रोवाइडिंग देम अ चाइल्ड सेंट्रिक प्ले वे इनोवेटिव लर्निंग एक्टिविटीज एंड करिकुलम with experiential learning in a relationship-driven environment, especially for pre-primary and primary students. And for senior group of students, a research-based and innovative learning methodological styles are being opted by us. We believe in 360-degree development of 21st century leaders.